ही अच्छा आए उसके लिए हम आज एक अलग ट्रीटमेंट करेंगे, अलग प्रोसीजर करेंगे। इसी प्रोसीजर का यूज करना है इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले, पहले कर लेंगे तो रिजल्ट्स और भी ज्यादा अच्छे। बेसन को अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से यूज करते हैं तो हर कोई आपसे ये पूछने वाला है कि आखिर आप ऐसा क्या लगा रहे हैं या ऐसा क्या खा रहे हैं जो कि स्किन जो है इतनी चमकती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड द मिरर, और मैं हूँ पूजा। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जो कि है मॉम एंड द मिरर। सबसे पहले आप सब बताइए कि आप सब कैसे हैं। होप सो आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अपना और अपनों का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारी स्किन के ऊपर झाइयां, डार्कनेस, सर्दी की वजह से ड्राइनेस हो जाती है, डलनेस आ जाती है, स्किन बहुत ही ज्यादा रूखी सूखी हो जाती है जो कि हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। 30 क्रॉस करते ही हमारे स्किन के ऊपर से जो ग्लो होता है, एक नेचुरल सी जो शाइन होती है, जो चमक होती है, जो चार्म होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म सा होने लगता है। साथ साथ अगर आप अपनी स्किन पर गौर करेंगे तो आपके स्किन के ऊपर से जितना भी चार्म था या ग्लो था, जो भी सॉफ्टनेस आपकी स्किन पर दिखाई देती थी विदाउट एनी रेमेडी के, या फिर कुछ ऐसा खास भी आप खान पान नहीं करते थे, उसके बावजूद भी आपकी स्किन जो है ऑल टाइम ग्लो करती रहती थी। आपका स्किन टोन कुछ भी हो, वो बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर ग्लो है, सॉफ्टनेस है, कोई दाग नहीं है, रिंकल्स नहीं है, फाइन लाइंस आपकी स्किन पर नहीं दिखाई दे रही, तो आप अपने कॉम्प्लेक्शन को जो है बहुत ही ज्यादा लाइटन अप कर सकते हैं, अपनी स्किन को ब्राइटन अप दिखा सकते हैं। इजी से इजी जो रेमेडीज मैं आपको अपने चैनल पर शेयर करती हूँ उन सबको यूज करके। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि वीडियो इतनी लंबी क्यों हो जाती है, तो देखिए अगर मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ, कोई रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होगी तो आपको जो है उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे नहीं दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया आपने डायरेक्टली अपने फेस पर उसको अप्लाई कर लिया। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उस रेमेडी के बारे में सारी नॉलेज दूं कि आप कौन कौन सी चीजों को अपने फेस पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम किसी भी काम को पॉजिटिव होकर करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी हमें जो है पॉजिटिव वे में ही मिलते हैं। मैं आपको ये सब बातें जो है इसलिए बताती हूँ ताकि आप मेरी बताई हुई रेमेडीज को सीरियसली करें, और जब आप इन रेमेडीज को दिल से करते हैं और आपके अंदर जो एक चाह होती है ग्लोइंग स्किन की, एक ग्लास स्किन की चाह जो होती है हमारे दिल में कि हम भी हमारी स्किन को ऑल टाइम जो है एक चमक हमारे फेस पर दिखाई दे, उसके लिए अगर हम किसी काम को दिल से करते हैं तो वो हमें जरूर हासिल होती है। तो ऐसा ही कुछ आपको इस रेमेडीज को यूज करने से पहले आपके अंदर जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको लेकर आना है, तो ही आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो बेहतर से बेहतरीन आएंगे आपकी स्किन पर। तो चलिए बातें बहुत कर ली, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। बता देती हूँ कि मैंने इस रेमेडी के लिए कौन कौन से घर के ही सामान से जो है इस रेमेडी को मैंने तैयार किया है, जिसका जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा कमाल का आपके फेस पर आने वाला है विदाउट एनी कॉस्ट। आप अपने घर की चीजों से ही अपनी स्किन को सॉफ्ट सफल कर सकते हैं और अपने फेस पर एक गजब का निखार आप देख सकते हैं। मेरा फेस आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर अभी किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं है। एज यू कैन सी, कुछ भी मैंने अपने फेस पर अप्लाई नहीं किया है, जस्ट मैंने अपनी इस रेमेडी का यूज किया है इस वीडियो से पहले जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो जस्ट मैंने एक लिपस्टिक अप्लाई की है और कुछ भी ऐसा मेकअप मेरे फेस पर नहीं है, आप देख सकते हैं, और मेरा फेस कितना ग्लोई लग रहा है, कितना सॉफ्टनेस मेरे फेस पर है, आप खुद नोटिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक साफ सुथरा बाउल ले लेना है, उसमें हम ऐड करेंगे बेसन। बेसन जो है एक नेचुरल क्लींजर है, एक्सफोलिएटर है, हमारी स्किन की जो है डीप क्लीनिंग करता है, जितना भी मैल पोल्यूशन हमारे फेस पर जमा हो जाता है उसको डीप क्लीन करता है, फेस के ऊपर से सारे ऑयल को क्लीन कर देता है। और इसमें मैंने पिंच ऑफ जो है वाइल्ड टर्मरिक यूज़ किया है। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप घर पर पिसी हुई हल्दी का यूज़ करेंगे, किचन वाली हल्दी का यूज़ नहीं करना है इस रेमेडी के लिए। तो अगला जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किया है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा में जो भरपूर मात्रा में पानी होता है जो हमारी स्किन को अच्छा खासा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, काम करता है हमारी स्किन की एंटी एजिंग पर, और जितने भी रिंकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है। और नेक्स्ट जो है हम इसमें ऐड करेंगे वो है दूध। आप उबला हुआ दूध लीजिए, क्योंकि अगर स्किन के ऊपर जितनी भी ड्राइनेस होगी, डलनेस होगी, इसकी हेल्प से वो पूरी रिमूव हो जाएगी। पुराने ज़माने में हमारी जैसे कि दादी नानी होते थे, वो अपनी स्किन को निखारने के लिए दूध का इस्तेमाल करते थे। आप रोज़ अगर 2-3 चम्मच पे अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है फ्रेंड्स, घर पे ही होता है, हर किसी के घर में होता है कच्चा दूध। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, स्मूथ करता है, गोरी करता है हमारी स्किन को। और ये जो हीरो इन्ग्रीडियंट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, इसको आप पहचान ही गए होंगे, ये है देसी घी। जी हाँ, मैंने ऐड किया है इसमें
1/4 चम्मच जो देसी घी, आप चाहे तो गाय का घी भी ले सकते हैं, नहीं तो आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने घर पर जो घी तैयार करती हूँ, मैंने उसमें से ही थोड़ा सा घी इसमें ऐड किया है। इससे क्या होगा कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा चिकनी हो जाएगी। स्किन अगर खुरदरी सी हो गई है, स्किन रफ़ हो गई है, स्किन के ऊपर से ग्लो बिल्कुल चला गया है, ये उसको वापस लाने में आपकी हेल्प करेगा। और घी जो हमारी स्किन की पॉलिशिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये एक नेचुरल पॉलिशर आप बोल सकते हैं। अगर आप दिन में एक बार भी घी का मसाज नॉर्मल करते हैं तो भी आपकी स्किन बहुत ही चिकनी हो जाएगी। जैसा कि हमने इस मिक्सचर को रेडी कर लिया है, अपने इस फेस मास्क को हमने रेडी कर लिया है अपने स्किन केयर के लिए, तो इसको लगाने से पहले हमें जो है एक प्रोसीजर। नॉर्मल हम क्या करते हैं कि जब हम अपने फेस पर किसी तरह का फेस पैक लगाते हैं तो अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को क्लीनिंग करने के लिए या तो दही का यूज करते हैं या फिर कच्चे दूध का यूज करते हैं, या फिर हम नॉर्मल क्या करते हैं अपने फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, फिर हम किसी तरह का भी फेस मास्क जो होता है हम उसे अप्लाई करते हैं। लेकिन इस जो रेमेडी का यूज आपके स्किन पर बहुत ही अच्छा आए, उसके लिए हम आज एक अलग ट्रीटमेंट करेंगे, अलग प्रोसीजर करेंगे, जिससे कि आपके स्किन पर इस जो रेमेडी का रिजल्ट है वो 100 गुना बढ़ के आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है थोड़ा सा घी, बस इतना सा घी आपको चाहिए अपने फेस की क्लिंजिंग करने के लिए। तो घी क्या होता है कि हमारे फेस के ऊपर से जितने भी रिंकल्स होंगे, फाइन लाइंस होंगे, उसको बहुत ही जल्दी से रिमूव कर देता है और फाइन लाइंस को बहुत ही जल्दी रिमूव करता है। जितना भी डर्ट होता है या फिर हल्का फुल्का अगर हमारे फेस पे मेकअप भी है, लिपस्टिक है, काजल है, ये उसको भी अच्छे से क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे बातों बातों में आपने देखा मैंने क्या किया, घी को अपने फिंगर स्ट्रिप्स पे लेके मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। इसको थोड़ा सा वार्म अप कर लेना है अपने फिंगर्स पे ऐसे आपने, फिर इसको जो है अपने फेस पर आपने अच्छे से मसाज करनी है। इस प्रोसीजर से अगर आप मेरी इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे तो आपके स्किन पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। इससे क्या होगा कि जो घी है हमारे फेस के ऊपर से जितनी भी ड्राइनेस होगी उसको रिमूव कर देगा और फेस पैक को अप्लाई करने के लिए हमारे फेस जो है वो रेडी हो जाएगा। जितने भी रिंकल्स होते हैं वो अक्सर हमें आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, जो वो आंखों के नीचे ही दिखाई देते हैं हमें। फाइन लाइंस जो होती हैं, माउथ के अराउंड जो कालापन हो जाता है, लिपस्टिक लगी होती है हमारे लिप्स पर, उसको भी अच्छे से रिमूव कर देगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने भी इसी प्रोसीजर का यूज करना है इस रेमेडी को अप्लाई करने से पहले। घी खाने में जितना बेनिफिशियल होता है हमारे बॉडी के लिए, उतना ही ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, आप आराम से अपने फेस पर इस घी की मसाज करिए रोज, अपने फेस को जो है घी के साथ आप नहाने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई कीजिए। उससे आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी और जो विंटर्स में हमारे स्किन पर रिंकल्स दिखाई देते हैं, फाइन लाइंस दिखाई देते हैं, उनसे भी आप अपनी स्किन को रिमूव कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने फेस पर अच्छे से मसाज कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको वॉश नहीं करना है, इसको ऐसे ही जब आपकी मसाज हो जाएगी 2 मिनट की, तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा कॉटन लेना है ऐसे, तो इसको ऐसे क्लीन करना है आपने। इससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत जो ऑयल होगा, घी होगा, वो आपके फेस पर रह जाएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी आप इस प्रोसीजर को कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में नॉर्मली हर किसी की जो स्किन है वो ड्राई ही हो जाती है। तो आपने घी आपको नुकसान नहीं करेगा, घी से आपके फेस पर जितना भी डर्ट होगा या फिर रिंकल्स होंगे, जो लाइन्स हमारे फेस पर आ जाती हैं, उसको ये हील करने में हमारी पूरी हेल्प करेगा। तो अच्छे से आपने कॉटन की हेल्प से इसको क्लीन कर लेना है। ऐसे क्या होगा कि ये पूरी तरह से भी क्लीन नहीं होगा और हमारी स्किन ड्राई भी नहीं लगेगी। तो अगर आपकी स्किन जो है सुपर ड्राई है तो आप इसको साफ किए बिना भी इस फेस पैक को आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मसाज करने के बाद आप डिफरेंस खुद मेरे फेस पर दे सकते हैं कि मेरा फेस कितना ग्लोई लग रहा है, कितनी शाइन आ गई है मेरे फेस पर। तो ये होता है घी का कमाल हमारी स्किन के लिए। तो चलिए अब हम अपना जो है फेस पैक उसको अप्लाई कर लेते हैं। इन सब चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, देन इसको अपने फेस पर आपने अप्लाई करना है। अच्छे से अपने फेस पर इस फेस पैक को लगाइए। इस होम रेमेडी का यूज अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर से बहुत ही जल्दी से ड्राइनेस दूर होकर आपकी स्किन ग्लोई हो जाएगी, बहुत ही अच्छा एक ग्लो आपके फेस पर ऐड हो जाएगा। तो आपने इसको रेगुलर यूज करना है। घी का जो यूज हम करते हैं अपनी स्किन के लिए, वो हमारे स्किन के ऊपर से रिंकल्स, फाइन लाइंस को बहुत ही जल्दी
रिमूव करता है फ्रेंड्स। इसको लगाने के बाद अपने फेस पर आपने रखना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं वो अच्छे से हमारे स्किन के अंदर अपनी जो गुडनेस है वो छोड़ सके और हमारे स्किन को जो हेल्दी कर सके, रिंकल फ्री कर सके, डार्क स्पॉट्स हैं जो हमारे फेस से इजिली रिमूव हो जाए। कि आप देख सकते हैं मैंने इस फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है और इसको मैं लीव ऑन करूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। मैं मिलती हूँ 15 से 20 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, तो वेट करते हैं इस पैक को सूखने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ये फेस पैक जो है वो पूरी तरह से सूख चुका है। इसको करेंगे वाइप ऑफ, तो उसके लिए आपने जो लेना है थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। क्या होगा कि जो इसमें हमने घी का यूज किया है वो हमारे फेस के ऊपर से अच्छे से क्लीन हो जाए, जो हमारी स्किन है वो अच्छे से साफ हो जाए, हमारे फेस पे ऑयल ना दिखाई दे और हमारा जो रंग है वो एकदम से निखरा निखरा सा नजर आएगा। तो ग्लो तो हमारे फेस पर इस रेमेडी से 100% आना ही है। इस पैक को रिमूव करते हुए आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको रिमूव करेंगे तो आपके स्किन के ऊपर से जो डेड सेल्स होंगे वो रिमूव होते चले जाएंगे और घी, एलोवेरा जेल और टर्मरिक की जो गुडनेस है वो हमारे फेस पर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगी। आपको बताया कि इस फेस पैक को यूज करने के लिए आपको स्क्रबिंग की जरूरत नहीं है, और अगर आपका फेस ज्यादा ही खुरदुरा सा हो गया है या स्क्रबिंग किए हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया है तो आप इस पैक को बनाने के टाइम आप थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉफी का भी ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपकी स्किन जो खुरदुरी है उसके ऊपर से जितने भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी इस फेस मास्क को अप्लाई करने से पहले घी के साथ अपने फेस पर मसाज की थी, वो इनफ थी मेरे फेस के लिए, लेकिन फिर भी एक मिनट की मसाज अगर हम इस फेस पैक को उतारने से पहले कर लेंगे तो रिजल्ट्स और भी ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे हमारे फेस पर। तो इस रेमेडी को क्लीन करने के बाद आप मेरे फेस पर जो निखार है आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि मेरा फेस कितना डल दिखाई दे रहा था, और इस रेमेडी को यूज करने के बाद अब मेरा फेस कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है मेरा स्किन। और आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं कि मेरी चीक्स पर एक अलग सी शाइन है, आप खुद इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस रेमेडी में ग्राउंड फ्लोर है यानी कि बेसन, एलोवेरा जेल है, देसी घी जो इस इंग्रेडिएंट का मेन हीरो इंग्रेडिएंट है, उसकी वजह से हमारे फेस पर जो सॉफ्टनेस आएगी, जो एक टाइटनेस हमारे फेस पर फील होगी वो आप खुद नोटिस करेंगे अपने फेस पर। आप चाहे तो इसको नहाने से पहले रेगुलर यूज कीजिए, क्योंकि जो घी है, एलोवेरा जेल है, ये सारी नेचुरल चीजें हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। इन सब चीजों का रेगुलर अगर हम यूज करते हैं हमारी स्किन का टेक्सचर जो है वो अच्छा ही होता जाता है दिन ब दिन, तो इसलिए आप इसको रेगुलर यूज कीजिए मेरी इस रेमेडी को। और अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है, इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। आपको अपना रखना है ध्यान। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।